बहुजन खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल आवाज 85 को और हर नए वीडियो को तुरंत देखने के लिए घंटी के निशान वाले बटन को दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज 85 और मैं हूं अमित। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि इस समय पूरे विश्व में कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बहुत बढ़ा हुआ है और विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित कर दी गई है। हमारे देश भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कल रात कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए पूरे भारत को 21 दिन तक के लिए पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है। इस लॉकडाउन में अति आवश्यक और आपातकालीन सेवाएं खुली रहेगी, लेकिन इसके अलावा सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे, सभी दुकानें बंद रहेगी, लोगों को घरों से निकलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। लोगों को कुछ जरूरी चीजें जैसे कि किराने की सामान, सब्जियां, राशन, दवाई, दूध आदि की जरूरतें मुहैया कराई जाएगी, इन सब की दुकानें खुली रहेगी। हम आवाज 85 चैनल के माध्यम से आप दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं कि इस लॉकडाउन में अपने घरों में ही रहने का प्रयास करें। बहुत जरूरत ना हो, कम जरूरत हो तो घर में ही रहें, एकदम बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। और कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए अपने हाथों को लगातार साबुन, हैंड वॉश या सैनिटाइजर का प्रयोग करके धोते रहें। जरूरी काम से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का उपयोग करें। अपने और अपने लोगों को घर से बाहर न निकलने दें। सजग रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें और कोरोना वायरस के महामारी से अपने और अपने परिवार की रक्षा करें।